क्वेश्चन का एक प्रिंसिपल है और पंक्चुएशन मार्क्स में भी है कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमर्स पहले लगा दिए और फुल स्टॉप पे जुमले का अख्तिताम किया, क्योंकि हमें तो यही पता ना कि जुमले का अख्तिताम हमेशा फुल स्टॉप पे होता है, तो अगर वही वाली थॉट आपने इधर भी लगा दी और आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगा के उसके बाद फुल स्टॉप लगाया, तब भी आपका जुमला गलत कंसिडर होगा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल आपने थोड़ा अपने जहन में रखना है। टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन द डायरेक्ट स्पीच, ये वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी है। ये आपको करेक्शंस और पंक्चुएशंस में काम आते हैं और नरेशन में तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। ठीक है, नंबर वन, द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज कैपिटलाइज। नंबर टू, द सेंटेंस इज ऑलवेज क्लोज्ड विद कोटेशन मार्क्स एंड नॉट एनी ऑफ द पंक्चुएशन मार्क्स सच एज पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सेट्रा। कि जो जुमला होगा वो हमेशा पंक्चुएशन, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स पे क्लोज होगा। ठीक है, ये वही बात है कि फुल स्टॉप को अंदर रखना, बाहर नहीं रखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की तरफ। डायरेक्ट स्पीच को हमने ओवरऑल अंडरस्टैंड कर लिया कि अच्छा डायरेक्ट स्पीच ये होती है, उसमें अच्छा एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, फिर उसमें एक रिपोर्टेड वर्ब होता है, फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब को देखा क्या होता है, फिर हमने रिपोर्टेड वर्ब को देखा कि वो क्या होता है, फिर उसमें हमने वो कुछ एक दो प्रिंसिपल्स देख लिए कि यार ये दो पॉइंट्स बड़े आपने याद रखने हैं डायरेक्ट स्पीच को लिखते हुए या उसको यूज करते हुए। अब हम मूव करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच पे कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। नंबर वन, इनडायरेक्ट स्पीच में इट डज नॉट कंटेन द एक्चुअल और डिटो वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। के ये डिटो अल्फाज नहीं होते, इसमें रीफ्रेज किया जाता है स्पीकर की बात को, लेकिन ऑब्वियसली अपनी तरफ से रीफ्रेज नहीं कर देते होते, उस रीफ्रेजिंग के पीछे पूरी की पूरी साइंस होती है, रूल, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपने साइमल्टेनियसली इनकॉर्पोरेट करने होते हैं। 3 to 4 रूल्स एट अ टाइम एक जुमले में लग रहे होते हैं। दिस इज द रीजन के डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करते हुए बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, नंबर टू, द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रादर रीफ्रेज्ड व्हाइल टेलिंग एसेंस और सब्सटेंस ऑफ द वर्ड स्पोकन बाय हिम। ये भी बात है कि उसके अल्फाज को रीफ्रेज किया जाता है उसकी सिर्फ एसेंस और सब्सटेंस को बरकरार रखते हुए। फॉर एग्जाम्पल, शी प्रेड फॉर मी टू गेट वेल सून, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू लाहौर दैट डे, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ये सारे क्या हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच के जुमले हैं और ये उन्हीं जुमलों की इनडायरेक्ट है जो पीछे हमने देखे थे। ये जो ये जुमले हैं ना, शी सेड टू मी कॉमा गेट वेल सून, कि उसने मुझे कहा कि गेट वेल सून, तो बेसिकली दुआ कर रही है। ठीक है, तो हमने कहा जी शी प्रेड फॉर मी टू गेट वेल सून, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू लाहौर दैट डे, द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। ठीक है, तो ये उन्हीं तीन जुमलों की हमने इनडायरेक्ट कर दी। वो कैसे की है अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे कि जी कैसे हुआ है, इसमें कौन से रूल्स इंप्लीमेंट हुए, क्योंकि अभी हम रूल्स तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ठीक है, तो आई होप सो कि यहां तक भी आप सारों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। दिस सेशन इज नो लॉन्गर बीइंग रिकॉर्डेड। जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन, कोई परेशानी, वेरी गुड। अभी देखें किसी ने भी मैसेज नहीं किया ना, इसी तरह अच्छे बच्चों की तरह क्लास में रहते होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई मुश्किल चीज नहीं आई। ठीक है, लेकिन इसको भी अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, ट्रस्ट में आप भूल जाएंगे, तो रिविजन इज द की। सही है, चले अब आगे चलते हैं। The recording has started. अच्छा, अब हम एक और चीज को इधर अंडरस्टैंड करेंगे। एक दो कॉन्सेप्ट मजीद हैं जिनको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, एंड टू अंडरस्टैंड देम इज इम्पेरेटिव टू अंडरस्टैंड नरेशंस, क्योंकि ये वाली जो चीज अभी हम सीखने जा रहे हैं, ये आगे तमाम के तमाम जो नरेशन के सेंटेंसेस होंगे उसमें इन वन वे और द अदर इनकॉर्पोरेट होनी है, तो इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी हम बेसिकली देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी जो जुमले होते हैं उनकी इकसाम, उनकी टाइप्स। ठीक है, उन टाइप्स को मैंने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि दो मेन टाइप्स हैं या मेजर टाइप्स हैं, उनके आगे फिर उनकी सब टाइप्स हैं हर एक की। ठीक है, एक है आपकी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, और एक है आपकी अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, एक है जुमले की का स्ट्रक्चर के जो उसकी जो बनावट है जिसमें उसको लिखते हैं उसके हिसाब से उसकी टाइप, और दूसरी है उसकी नेचर,
कि उसकी जो नेचर है, जो उसकी नेचर को किस तरह से, खैर आई होप यू हैव गॉट इट, कि उसकी नेचर, उसकी एसेंस को अंडरस्टैंड करते हुए हम उसकी टाइप को डिफाइन करते हैं कि जुमला किस किस्म का है. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाले को पहले देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में हमारे पास चार मुख्तलिफ किस्म के जुमले होते हैं. नंबर वन इज सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंस जो है जिसमें सिंपली सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और उसमें वो इट इज एज सिंपल एज आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल. ये जो इस तरह के जो सादे सादे अल्फाज होते हैं ना, इनको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. दूसरा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है उसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस की क्या निशानी होती है? कंपाउंड सेंटेंस की ये निशानी होती है कि उसमें एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं. उसमें क्या होते हैं? एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में. ये उसकी निशानी होती है कि पता कैसे लगेगा ये जुमला कंपाउंड है, उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये हम अभी अगली स्लाइड में अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसलिए घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी. थर्ड जो टाइप ऑफ सेंटेंस है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपके, उसको कैसे पता लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है पढ़ के? उसमें एक अदद इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक अदद डिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, कंपाउंड में कम अज कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं एट अ टाइम, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है. जो फोर्थ टाइप ऑफ या फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है वो है बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, यानी ये मिक्स ऑफ बोथ होता है. इसमें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन सॉरी लेकिन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेंटेंस इज स्ट्रॉन्गली डिस्करेज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसको बड़ा सख्ती से डिस्करेज किया जाता है, और इसको डिस्करेज करने की वजह यह है कि एक तो जुमला जरूरत से बहुत लंबा हो जाता है, बहुत ही लंबा जुमला हो जाता है ना, लगता है कि कोई मिनी पैराग्राफ है, इतना लंबा हो जाता है. ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको इन जनरल भी लंबे जुमले नहीं लिखने चाहिए. उसकी दो वजूहत होती हैं कि लंबे जुमले या कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो मिक्सचर है वो क्यों नहीं लिखना चाहिए. उसकी प्राइमरीली दो वजूहत है. नंबर वन, आप अपनी बात को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, आप उसको क्लियरली कन्वे नहीं कर पाते अगर आप उसको बिल्कुल परफेक्टली नहीं बनाते. नंबर टू, द लॉन्गर द सेंटेंस द मोर आर द चांसेस टू कमिट मिस्टेक इन इट. जितना आप लंबा जुमला लिखेंगे उतना ही उसमें गलती कमिट होने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, और तीसरी, वो प्रोफेशनल भी नहीं लगता कि अगर आप बहुत ही कोई लंबा चौड़ा जुमला लिख देना, इसका मतलब है कि आप कम अल्फाज में अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये हो गए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास चार टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर. अब आते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, कि अकॉर्डिंग टू नेचर जुमलों की कौन सी काइंड्स है. नंबर वन, उसको हम कहते हैं जी नॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, उसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. ठीक है, इसको उर्दू में हम कहेंगे जुमला खबरिया. जुमला खबरिया कि ये ऐसा जुमला होता है जिसमें खबर दी जा रही होती है, इन्फॉर्म किया जा रहा होता है, कोई बात डिक्लेयर की जाती है, असर्ट किया जाता है. ठीक है, असर्ट की जाती है, कोई बात को डिक्लेयर की जाती है, इन्फॉर्म किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं जुमला खबरिया. आपको किसी खबर के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है. ठीक है, कोई अब खबर का मतलब ये नहीं है कि वो टीवी की खबर, कोई ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, इट कैन बी एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू. ठीक है, नंबर टू, दूसरी जो काइंड ऑफ सेंटेंस है उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस को उर्दू में हम कहते हैं जुमला इंशाइया, या फिर जुमला हुक्मिया, या फिर जुमला दरखास्ताना, या दरखास्त, जुमले दरखास्त. इस जुमले में, इंपेरेटिव सेंटेंस में, प्राइमरली जो चीज अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है वो है कि या तो उस जुमले में हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, या फिर उस जुमले में दरखास्त की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है. ठीक है, तो उस तरह से हमें पता लग जाता है उसकी जुमले को देख के कि यार इस जुमले में जो बात हो रही है वो कोई हुक्म दिया जा रहा है या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है. अब ये जरूरी नहीं है कि उसमें ऑर्डर और रिक्वेस्ट ही के अल्फाज इस्तेमाल हो,
उसमें कोई और अल्फाज भी इस्तेमाल हो सकते हैं, हो सकते हैं ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल ना, उसके बावजूद वी गेट टू नो कि दैट दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि हम उसको अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तीसरा जो सवाल है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसके बारे में आप सारे लोग ही जानते होंगे, ये सवालिया जुमला होता है जिसमें कोई सवाल कर लिया जाता है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी और फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस को उर्दू में कहा जाता है जुमले दुआया, यानी ऐसा जुमला जिसमें कोई दुआ दी जाती है। अब ये दुआ भी हो सकती है और बद दुआ भी हो सकती है, क्योंकि इवन जो बद दुआ होती है वो भी तो एक दुआ ही होती है ना। बद दुआ का क्या मतलब, बद दुआ का मतलब है बुरी दुआ, और दुआ इन जनरल का मतलब है कि यार आप किसी के लिए अच्छी कोई दुआ करते हैं। तो जुमला दुआया यानी जिसमें दुआ दी जाती है या बद दुआ दी जाती है, कर्ज किया जाता है या प्रे किया जाता है या कर्ज किया जाता है, ठीक है, वो जब जुमला वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। वो भी हमें जुमला पढ़ के पता लग जाता है कि यार ये क्या कर, लाजमी नहीं है कि उसमें प्रे या कर्ज के अल्फाज यूज हो, आप जुमला देख के बता देते हैं जुमला उसको अंडरस्टैंड करके कि यार ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई इस किस्म की बात की यार, जैसे हमने यार मर जाओ यार, ठीक है। अब मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बदवा देता हूँ तुम मर जाओ, अल्लाह ना करेगा, लेकिन मैंने इस तरह नहीं, मैंने मर जाओ यार, तो क्या बदवा ही दे रहा हूँ ना, देखिए आए ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। अच्छा, फिर जो फिफ्थ कैटेगरी है या जो फिफ्थ काइंड है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हम आम अल्फाज में जुमले फिजाइया कहते हैं, उर्दू में जुमले फिजाइया। ये कौन से अल्फाज होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे हुर्रा, जैसे अलास, इस तरह के अल्फाज में, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क, वी हैव वॉन द मैच, ठीक है। ये क्या आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, आप खुशी से उछल के बता रहे हैं, या फिर ये कुछ जुमला सैडनेस का भी हो सकता है, जैसे अलास ALAS एक्सक्लेमेशन मार्क, माई अंकल डाइड यस्टरडे, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये दो काइंड ऑफ सेंटेंस हो गए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और अकॉर्डिंग टू नेचर। अब अगली स्लाइड में हम जाके अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का, ये इंग्लिश इन जनरल एंड इंग्लिश जो CSSC या PMS की जो कॉम्पोजिशन की है उन दोनों में बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए इनका जो आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म है कि इनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको मैं अभी अगली स्लाइड में आपको ब्रीफ करूंगा। दिस सेशन इज नो लॉन्गर बीइंग रिकॉर्डेड। यहां तक क्लियर है? मोहम्मद मजहर, सर मैंने आज दिन को रिवाइज कर लिया था। क्या रिवाइज किया था मजहर, मैंने तो ये चीज पढ़ाई नहीं है। अच्छा, यहां तक मुश्किल तो नहीं लग रही चीजें? ठीक है ठीक है, आसानी से समझ आ रही है ना, इसी तरह से सारी चीजें समझ आती हैं, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सही है, ओके ओके ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। अच्छा जी, अब सवाल उठता है कि यार ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं ये किस बला का नाम है और इस बला को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को समझने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड क्लॉज फर्स्ट, कि यार ये क्लॉज किसको कहते हैं आखिर, ये क्लॉज किस बला का नाम है, क्या चीज होती है ये, ठीक है। सो अ क्लॉज इज बेसिकली अ ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज किसी भी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं अंग्रेजी जबान में जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो एटलीस्ट, उसको हम कहते हैं जी ये क्लॉज है, ठीक है। और क्लॉज जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी सेंटेंस फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके जो ब्लॉक्स है ना जिनको आप जोड़ेंगे तो वो बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है, जिसको हम कहेंगे इस बिल्डिंग का नाम है सेंटेंस। तो क्लॉजेस वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वो ईंटों के पत्थर होते, वो ईंटें होती हैं जो मिलके सेंटेंस बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज पे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। तो हमने तो वैसे भी पढ़ा था कि क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो,
तो चाहे इंडिपेंडेंट क्लॉज हो चाहे डिपेंडेंट क्लॉज हो, एक कॉमन फैक्टर होता है दोनों में कि दोनों में एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है। लेकिन फर्क कहां पे आता है दोनों में, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो इन इट सेल्फ एक सेंटेंस होता है, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इन इट सेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट कन्वेज अ मैसेज और डिलीवर अ मैसेज कंप्लीटली, कंप्लीट थॉट को वो कन्वे करता है, डिलीवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट माई होमवर्क फुल स्टॉप, ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है। कोई कुछ और इसके साथ लिखा है या नहीं लिखा, इसको इसकी तबीयत पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, वो अपने आप में एक मुकम्मल जुमला होता है इन इट्स एसेंस, अगर मैं एक जुमले में बताऊं कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ कमिंग टू द डिपेंडेंट क्लॉज भी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यहां तक तो दोनों में कॉमन फैक्टर है, दोनों में सेम चीज है कि अच्छा जी इंडिपेंडेंट में भी और डिपेंडेंट में भी एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है। फर्क आगे चल के आता है, जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वो अपने नाम से ही बताता है कि भी मैं तो डिपेंड कर रहा हूं, किसी ना किसी पे मैं डिपेंड कर रहा हूं, अपने आप में मेरी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है? तो हमें पता लगा कि डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट एंड कैन नॉट बी अ सेंटेंस। डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, वो पार्ट ऑफ सेंटेंस जरूर होता है लेकिन अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। और डिपेंडेंट क्लॉज किस पे डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा ना कि डिपेंडेंट क्लॉज कहता है जी कि मैं तो डिपेंड करता हूं, किस पे? इंडिपेंडेंट पे। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज मेरे साथ खड़ा हुआ है तो मैं कुछ ना कुछ हूं, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं हूं, अदरवाइज मैं कोई मुकम्मल मीनिंग या मैसेज कन्वे नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक और चीज भी आप एड ऑन कर लें कि डिपेंडेंट क्लॉज में अमूमन जो है या तो मार्कर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, मार्कर वर्ड जैसे बिफोर, आफ्टर, बिकॉज, इन ऑर्डर टू, ऑल्दो, इस तरह के जो अल्फाज हैं ये होते हैं, और या फिर उसमें कंजंक्शन होती है जैसे बट, एंड, और, नॉर, येट, हाउएवर, इस तरह के अल्फाज, ठीक है? जैसे बिकॉज आई फॉरगॉट माय होमवर्क कॉमा आई गॉट सेंट होम। अब इस जुमले में ये जो पहला पार्ट है बिकॉज आई फॉरगॉट माय होमवर्क, क्योंकि इसमें बिकॉज लग गया, या अगर इसमें बट लग जाता या कुछ और लग जाता, एनीथिंग, ठीक है, अभी यहां पे बिकॉज ही सूट कर रहा है, लेकिन जैसे इधर एक मार्कर वर्ड लग गया बिकॉज आई फॉरगॉट माय होमवर्क कॉमा आई गॉट सेंट होम, तो ये जो ये पहला वाला पोर्शन है ये जुमले में डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो आगे वाला आई गॉट सेंट होम, अब इस जुमले को आई गॉट सेंट होम को अगर आप किसी खाली सफ़े पे भी लिख देना या पीछे वाली सारी बात को काट दें, स्ट्राइक थ्रू कर दें, तो तब भी आई गॉट सेंट होम वो कंप्लीट मीनिंग डिलीवर कर रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी बिकॉज आई फॉरगॉट होम, आगे आई गॉट सेंट होम, सॉरी बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क, और आगे वाले पोर्शन को आप काट दें, तो बिकॉज आई फॉरगॉट माई होमवर्क एक कंप्लीट थॉट को डिलीवर नहीं कर रहा, वो फिर पूछेगा कि अच्छा फिर आगे भी बात करो ना, मुकम्मल करो बात को, मुकम्मल क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड देन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि ये आपको तमाम लोगों को क्लियर हो गया। दिस सेशन इज नो लॉन्गर बीइंग रिकॉर्डेड। यहां तक क्लियर हो गया डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक से ज्यादा सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है, थीम यही रहेगी। लेकिन जो क्रक्स है ना वो ये है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल जुमला होता है, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अपने आप में मुकम्मल जुमला नहीं होता। दैट्स इट, ये आपकी एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये तरह एक स्लाइड बना दी, अदरवाइज इसको एक जुमले में भी मैं एक्सप्लेन कर सकता था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में जुमला होता है, पूरा कंप्लीट मीनिंग डिलीवर करता है, ठीक है? लेकिन आपके लिए मैंने थोड़ा इसको ब्रीफ करके, चले आगे चलें फिर हम। जी आई गॉट सेंट होम एज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, बच्चे अभी जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ लेना, ठीक है? वो जो चीज टॉपिक के हवाले से जिस तरह से आ रही होती है मैं उसको उस तरह से लेके चलता हूँ। दिस इज नॉट अ ग्रामर क्लास, दिस इज अ कॉम्पोजिशन क्लास, और कॉम्पोजिशन में जो कॉन्टेंट पेपर के हवाले से अंडरस्टैंड होता है मैं वो सारा का सारा कवर करवाता हूँ, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। नहीं कोई मसला नहीं, मैंने कहा थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा।
कि ग्रामर इज अ डिफरेंट थिंग, कॉम्पोजिशन इज अ डिफरेंट थिंग. कॉम्पोजिशन में ग्रामर का जो जो कॉम्पोनेंट आता है, जो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो 100% आप कवर करेंगे, उसकी आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी जब तक मैं हूँ क्लास में. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम. The recording has started. अच्छा, अब ये जो हमने काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे भी पीछे एक डिबेट की थी कि यार काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी होते हैं और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस भी होते हैं, तो वो हमने उस टाइम थ्योरेटिकली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी. थ्योरी थी ना, क्या ख्याल है, थ्योरी थी कि अच्छा यार वो ऑप्टेटिव होता है और वो जो है ये वाला होता है, वो वाला होता है, फलाना होता है, ढिमकाना. अब हम उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे, उस तरह के जुमले देख के अंडरस्टैंड करेंगे कि अच्छा यार ये कौन से जुमले हैं. तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस में एक हमने देखा ही इज अ गुड बॉय, सिंपल सेंटेंस. ठीक है, आई विल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. आई विल नॉट कम हियर अनलेस यू कॉल मी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैंने पीछे बताया था कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. यानी अगर फॉर्मूला बने, ये नीचे नोट में फॉर्मूला बना भी हुआ है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, जुमला की कंसिडर होता है. अब आई विल नॉट कम हेयर, ये क्या है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा कि दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है. आई विल नॉट कम हेयर, बात खत्म. अगला जो पार्ट है, अनलेस यू कॉल मी, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. और एग्जाम्पल, अगर मैं क्लास में वैसे किसी को कहूँ जी अनलेस यू कॉल मी और आगे से खामोश हो जाऊँ, तो देन यू वुड बी वेटिंग फॉर मी ना, कि अच्छा सर अनलेस आई कॉल यू तो फिर व्हाट, फिर क्या करेंगे आप. ठीक है, तो वो क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंड कर रहा है वो इंडिपेंडेंट के ऊपर. नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड. आई कॉल्ड हिम, इंडिपेंडेंट क्लॉज, बट ही डिड नॉट, सॉरी ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, इंडिपेंडेंट. तो इस जुमले में दो, जिसकी वजह से कंपाउंड सेंटेंस है, और कंपाउंड सेंटेंस में कि जो कंपाउंड सेंटेंस को जब हम लिखते हैं, जब उसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना होता है इन अ सिंगल सेंटेंस, तो उनको ज्वाइन करने के लिए प्राइमरली तीन चीजें होती हैं. नंबर वन, कॉमा, या तो कॉमा से सेपरेट कर देंगे उन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, या फिर आप सेमी कॉलन को इंट्रोड्यूस करेंगे, या फिर आप कंजंक्शन या फिर मार्कर वर्ड जो है उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि कंपाउंड सेंटेंस बन सके. तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो काइंड ऑफ सेंटेंसेस थी, ये उसकी एग्जांपल है एक एक. अब एग्जांपल है ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस. नंबर वन, मे यू लिव लॉन्ग, दुआया जुमला, दुआ दे रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, ऑप्टेटिव सेंटेंस. वेयर आर यू गोइंग, सवालिया जुमला है, interrogative sentence. I have bought some books. Assertive sentence. Declarative sentence. Declare कर रहा है आपको, inform किया जा रहा है कि I have bought some books. मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं. ठीक है, जुमला खबरिया. Number four, please shut the door in part. अब इसमें तो इसने कहीं पे उसने नहीं कहा request की, request का लफाज लफ्ज तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन still please से हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि चाहे ये इंपेरेटिव लग रहा है, प्लीज कॉमा शट द डोर, इंपेरेटिव सेंटेंस. अलास माय अंकल हैज डाइड, एक्सक्लेमेशन मार्क से और एक्सक्लेमेटरी वर्ड से हमें पता लग गया कि ये जुमला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. अच्छा, ये हो गया आपके पास एग्जांपल्स फ्रॉम द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. नाउ देयर इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, जो आपने यहाँ पे जरूरी है आपको बताना, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, हमने ये पढ़ा, हमें ये पता है कि एक जुमला होता है उसमें दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं. वो दोनों चीजें अगर जुमले में होंगी तो वो सेंटेंस कंसिडर होगा, वरना नहीं होगा. वो दो चीजें क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. यानी अगर सेंटेंस का अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाए तो हम कहेंगे कि सेंटेंस इज इक्वल टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब. एक और भी होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है. अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो और सब्जेक्ट और वर्ब हो जुमले में, तो जुमला आपका मुकम्मल कंसिडर होता है. ठीक है,
तो हमें पता लग गया कि जो भी जुमला है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत जरूरी है, इन दो चीजों का, अदरवाइज वो जुमला नहीं होगा। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो एक खूबसूरती है या उसका एक मसला है वो ये है कि इट इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस। इंग्लिश लैंग्वेज इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, इसमें बहुत इतनी एक्सेप्शन है, आप एक्सेप्शन ढूंढ ढूंढ के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ उतनी एक्सेप्शन करेंगे, सिर्फ उतनी चीजें करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि हम कंफ्यूज जनता में शामिल ना हो। ठीक है, पॉइंट टू रिमेंबर क्या है कि जो हमें पता लगा कि एक जुमले के लिए जुमला अगर उसमें होना हो, सेंटेंस होना हो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब जरूरी है। बट हेयर एन इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहले हमें यह बात पता लगी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा, यानी जुमला दरखास्ताना जो होता है या जुमला हुक्मिया जो होता है, उसमें हमें पता लगा कि हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगी और कुछ नहीं होगा। नंबर टू, इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट यूजली। हमने तो ये पढ़ते रहे बचपन से कि भाई जुमले में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस, और यहां पे वो कह रहे नहीं जी, सब्जेक्ट ना भी हो तो तब भी ये जुमला है। यानी इट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट यूजली के अमूमन इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, बट इट इज अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट इज नन बट यू। लेकिन ये चीज अंडरस्टूड होती है कि ये जो सब्जेक्ट है इस जुमले में वो और कोई नहीं है, वो यू है, वो आप हैं। जैसे प्लीज शट द डोर, तो इसमें ये चीज अंडरस्टूड है कि भी मैं आप ही को कह रहा हूं, इट इज यू टू होम आई एम सेइंग दैट प्लीज गो, प्लीज शट द डोर। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें पता लगा कि एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और दूसरा उसमें अमूमन सब्जेक्ट नहीं होता। इट इज अंडरस्टूड दैट द सब्जेक्ट इज नन बट यू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास ऑफ नरेशन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। दिस सेशन इज नो लॉन्गर बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक हो गया जी, क्लियर? अब्दुल मेमन, यस, कॉम्पोजिशन की हम तैयारी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? फरा कह रही है सर अगर कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस में बट आ जाए, नहीं लाजमी नहीं है भाई। मैंने आपको कहा ना कि इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो फुल ऑफ एक्सेप्शंस है। ठीक है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जुमले को अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, इनफैक्ट बहुत लाजमी नहीं है कि डिपेंडेंट क्लॉज में आपका कंजंक्शन आ रहा हो, लेकिन स्टिल इट हैपेंस। सर क्विजेस भी होंगे, क्विजेस क्या, क्विजेस नहीं होता है, सिर्फ क्विजेस होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, टेस्ट होते हैं। आज भी एक इनफैक्ट रिजल्ट पोस्ट हुआ होगा अकेडमी के फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे, आउटलाइन डेवलपमेंट पे, और उसमें मैंने आधे से ज्यादा बंदे फेल हैं बाय द वे। इसी तरह सिंटेक्स, आप अगर फेसबुक का जो हमारा पेज है टीसी ऑनलाइन का, उसको अगर आप वॉल को अगर आप उसका थोड़ा सा ब्राउज करें ना, तो आप देखेंगे कि उसमें ऑन एंड ऑफ रिजल्ट्स पोस्ट होते रहते हैं, कभी असाइनमेंट के नाम पे, कभी क्विज के नाम पे, कभी टेस्ट के नाम पे, पर होता रहता है। तो इवेल्युएशन की टेंशन नहीं लेनी है आपने। सर प्लीज के आगे अगर कॉमन ना भी लगाएं, हाँ कॉमन ना भी लगाएं तो तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा लें तो बेहतर है। वो फिर जब हम पंक्चुएशंस के रूल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर हम कॉमा को भी डिस्कस करेंगे। कॉमा को इस्तेमाल करने के तकरीबन 17 प्रिंसिपल्स हैं, 17 प्रिंसिपल हैं, सिर्फ ये मुसीबत हमारे कॉमा को जो डील करते हैं, और हम कॉमा को वर्थ ही नहीं देते। अच्छा कॉमा है तो लगा दो कहीं पर भी, ऐसे लगा दो कहीं पर भी, शुगर है। सैयद जैद सर, इसमें हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे या वो खुद से पढ़ना होगा? जैद बच्चे, क्लास में जो चीजें हमारे एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है ना, वो हम सारी पढ़ेंगे, चाहे वो कॉम्पोजिशन हो चाहे वो ग्रामर हो। हम उतनी चीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा काम हो जाएगा। अदरवाइज अगर मैं ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दूं ना कि अच्छा जी वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होता है, वर्ब क्या होता है, नाउन की टाइप्स क्या है, वर्ब की क्या टाइप्स हैं, तो ट्रस्ट में हम यही चीजें पढ़ते रहेंगे और हम पेपर नहीं कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ द डे। तो मैंने कोर्स को डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, जो जो चीज जैसे जैसे हमारे इस्तेमाल में आ रही होती है, तो टेंशन नहीं लेनी।
मोहम्मद मजहर सर हमारा तो नहीं बना मजहर बच्चे, आप क्लास ही आज पहली है, उससे पहले ओरिएंटेशन होती थी, तो आप मेरे को बताएं कैसे आपका कोई क्विज़ या असाइनमेंट हो सकता है। सेल्फ स्टडी के बारे में क्या पढ़े बच्चे, जो रिकमेंडेड बुक्स हैं जो एफपीएससी ने रिकमेंड की है वो पढ़ें, और जो हमारी क्लासेस में जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो लाजमी पढ़ें, उसके अलावा एडिशनल चीजें भी फिर साथ पढ़ते रहें। एग्जैक्टली ज्यादा उतना ही, अगर हम उतनी अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं लेके जाता मैं स्टूडेंट को कि यार ये चीज एग्जाम में डायरेक्ट नहीं आनी, ना आपको भी हेल्प आउट करनी है, अब वरना कि मैं सिर्फ वर्ब्स की टाइप्स पे आ जाऊं ना, ऐसा नहीं कि मुझे आती नहीं है, वर्ब्स की कोई आगे 8-10 टाइप्स हैं, लेकिन वो डायरेक्टली हेल्प आउट नहीं कर रही होती एग्जाम में। एनी बुक सजेशन, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश ले लें। कॉमा और सेमी कॉलन के बारे में ये बच्चे जुबैर, इस पे पंक्चुएशन मार्क्स जो है ना उस पे मैंने आपको बताया कि कॉमा पे हमारे पास 17 असूल हैं, पंक्चुएशन मार्क्स पे भी मेरी कुछ 3 से 4 क्लासेस होती हैं। अगेन लोग इन चीजों पे ना टाइम नहीं लगाते क्योंकि उनको खुद नहीं आती होती, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि उन्हें खुद अच्छी नहीं आती तो वो उस पर टाइम नहीं लगाते, ठीक है, और एक एक क्लास में टपा देते हैं, नरेशन लोग एक क्लास में टपा देते हैं, आप देख लेंगे मैंने अब किस स्पीड से आपको नरेशन कराया है, जैसे एज इफ कि आप 5वीं क्लास के बच्चे हो, क्यों, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि आपको बाय द एंड ऑफ द डे चीज खत्म नहीं करानी, बाय द एंड ऑफ द डे मकसद ये है कि आपको चीज आनी चाहिए, वो आएगी तब जब हम बेबी स्टेप्स लेंगे, खरगोश बनने की कोशिश करेंगे ना तो आखिर में फिर हारेंगे ही, और हारना नहीं है हमने। जुबैर सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, जुबैर नोट्स आपको जो टीसी ऑनलाइन का जो ऑफिशियल नंबर है वहां से मिलेंगे, वो मैं जो मटेरियल के लिए नंबर यूज होता है, जहां से आपको व्हाट्सएप के थ्रू टाइम टेबल भी आ सकता है, 031।